बारिश का मौसम आते ही शहर में पीलिया ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। भिलाई के खुर्सीपार में पीलिया के कुल 4 मरीज मिले हैं, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों ने लोगों के घर घर जाकर पानी उबाल कर पीने के लिए जागरूक कर रहे हैं। खुर्सीपार क्षेत्र में पेयजल के लिए जाने वाली पाइपलाइन और सीवरेज लाइन करीब से गुजरती है। इसके अलावा गंदा पानी आपूर्ति को लेकर आए दिन शिकायत खुर्सीपार के लोग करते रहते हैं, जिसका ठोस निराकरण अब तक नहीं निकल पाया है, जिसका असर अब पीलिया के रूप में नजर आने लगा है। जिला स्वास्थ्य विभाग को जिले में पीलिया के पैर पसारने की खबर लगते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। 4 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा खुर्सीपार इलाके में जहां पीलिया के मरीज मिले हैं, उस इलाके में घर घर जाकर दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, साथ ही नालियों में दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। 4 मरीजों का उपचार निजी अस्पताल में जारी है। दूषित पानी और दूषित भोजन से पीलिया हो जाता है। पीलिया के मरीज का समय पर इलाज न कराया जाए तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। पीलिया से बचने के लिए जरूरी है कि लीवर स्वस्थ रहे। भोजन जितना सादा होगा लीवर उतना स्वस्थ रहेगा। खुर्सीपार में सीवरेज लाइन की दिक्कत बरसों से बनी हुई है। यहाँ बीएसपी आवासों के पीछे गटर भी खुला पड़ा रहता है, जिससे बारिश में गंदगी गलियों तक बहने लगती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि खुर्सीपार वार्ड 48 और 39 इलाके में पीलिया के 4 पॉजिटिव मिले हैं। पूरे इलाके में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है, साथ ही पानी का सैंपल भी लैब भेजा गया है। जिस इलाके में पॉजिटिव मरीज मिले हैं, पूरे इलाके में दवाइयों का छिड़काव लगातार जारी है। 4 मरीज है, एक बाहर से आया, बिहार से, एक अनीता शर्मा करके है, खुर्सीपार की है। दूसरे ये है शालिनी कुमार गुहा, शालिनी कुमारी गुप्ता, ये भी खुर्सीपार से है। तीसरा है कृष्ण कुमार गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता, 17 वर्ष, हाँ। और एक जो आशा मिश्रा जो है, ये बाहर से आई है, बिहार वगैरह से आई है, ये है ना खुर्सीपार। ये 3-4 मरीज है, 4 ही मरीज का पॉजिटिव पाया गया इसमें। पीलिया का जो शंकरा हॉस्पिटल में जो जांच हुई उसमें पॉजिटिव पाया गया उसको। नहीं, हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। अभी मैं जैसे खुद आया हूँ, मेरे स्टाफ के लोग पूरा हमला लगा हुआ है, इसके लिए घर घर जाके पूरा सर्वे कर रहे हैं। और निगम को भी हम लोग ये कर रहे हैं, साफ सफाई के लिए ध्यान दे रहे हैं। सर्वे किया गया, हमारे कर्मचारी घर घर जाके भी देख रहे हैं, साफ सफाई का भी ध्यान दे रहे हैं। और आगे हम लोग उसका कितने घरों में आप लोगों ने आज कितने घरों में किया? 110 घरों में आज किया सर। एक मरीज जो है पिछले महीने जो है, एक बच्चा भी है, पीलिया संक्रमित होने के कारण उसकी मौत हुई है। उसके बाद में भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है, नगर निगम इसको उदासीन है, क्या नहीं? नहीं, हमारे स्वास्थ्य विभाग को है, नगर निगम को भी हम लोग ये कर रहे हैं, है ना, सूचना दे रहे हैं। अगर साफ सफाई का जिम्मा तो नगर निगम का ही, वही लोग देखेंगे। हमारे है इसका वो किया गया, आप लोगों ने पहचान? नहीं, उनको सैंपल लेकर उसकी जाँच किया जाएगा, पानी दूषित का वही बता पाए। एक बार पुनः खुर्सीपार क्षेत्र में पीलिया के मरीज मिलने से निगम भिलाई की सफाई व्यवस्था पर सवाल या निशान लग रहा है, साथ ही आम जनमानस की लापरवाही भी सामने आ रही है। जरूरी होगा कि शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के मद्देनजर आम जनमानस भी इसके प्रति जागरूक रहे और इस जानलेवा बीमारी से अपनी सुरक्षा खुद करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।